बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर क्या बात करोगे? गठबंधन टूटने वाला है। टूटने वाला है? टूटने वाला है। तो इनके समझौता के टूटने के लिए लेकर गठबंधन टूटने वाला है और इंडिया का नया बढ़ने वाला है, तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी और बाकी जनता घरों में बिठाएगी। कैसे लग रहा है? लाल पीले बहुत हो रहे आज। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चल रही बदलाव यात्रा हांसी में पहुंची। इस यात्रा को कैंपेन आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद अशोक तंवर ने किया। तंवर का यहां पहुंचने पर लोगों द्वारा जबरदस्त स्वागत भी किया गया। यात्रा में आम आदमी पार्टी की नेत्री सरोज जांगड़ा, आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र सोरखी, आप नेता यशपाल सैनी, सचिन जैन, मनोज राठी, शमा मनोत्रा सहित तमाम नेता बदलाव यात्रा में शामिल हुए और खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने का लोगों से आह्वान किया। हरियाणा पोलखोल न्यूज से बातचीत में आप नेता व पूर्व सांसद अशोक तंवर ने क्या कहा, देखिए। यात्रा जबरदस्त है और आप देख ही रहे हैं, रिस्पांस पूरे हरियाणा में बदलाव का माहौल है। व्यवस्था बदलेगी, राज बदलेगा, नीति बदलेगी, नेतृत्व बदलेगा। लोगों के लिए जो फैसले अभी महापूंजीपतियों के हक में लेते हैं, फिर किसान मजदूर गरीब नौजवान हमारे जो निम्न वर्ग जो नीचे साथी संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए फैसले होंगे। डॉक्टर साहब, आपको मजबूत नेता कहा जाता है, हरियाणा में किस प्रकार बदलाव करोगे? बदलाव मैं तो मजबूत तो मानने वालों का है, बाकी तो सारे एक ही जैसे होते हैं, कोई खास फर्क नहीं। सबकी ताकत लगेगी, 3.25 करोड़ लोग हरियाणा के जब फैसला ले लेंगे उनकी ताकत देखना। वो जब ताकत लगाते हैं तब सुनामी आता है, जैसे पंजाब में आया, दिल्ली में आया, और आने वाले समय में सबको दिल्ली और पंजाब मॉडल जैसा विकास का मॉडल हरियाणा में भी मिले, उसके लिए हम सबकी कोशिश है और सब लोगों के में अंदर भारी उत्साह है। और यात्रा 3 दिन और चलेगी, भिवानी में समापन होगा, भिवानी वाले भी आए हुए, सब सारा पूरा हरियाणा आप में ही हो गया है। थोड़ा सा देखा गया खट्टर साहब की बहन आ रही है बार बार की पर्ची खर्ची बिल्कुल बंद कर दी। देखिए ये तो जनता बता सकती है और जनता बताएगी भी, वोट के माध्यम से बताएगी, मशीन में बटन दबा करके बताएगी कि क्या क्या बढ़ा और क्या क्या घटा, कैसे जो है नेताओं की संपत्तियां बढ़ी, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कैसे बेरोजगारी बढ़ी, कैसे महंगाई बढ़ी, कैसे किसानों का शोषण बढ़ा, कैसे हरियाणा जंगल राज की ओर अग्रसर है, हरियाणा के अंदर माफिया चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे वो हमारा नशे का हो, जहरीली शराब बेचने का हो, हर क्षेत्र में जो है हरियाणा जहाँ आगे बढ़ना चाहिए था वहाँ पीछे आ गया, जहाँ पीछे जाना चाहिए था वहाँ आगे चला गया। इसी को जंगल राज कहते हैं और जंगल राज की समाप्ति आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है और उसको हम अचीव करेंगे। कहा जा रहा है कि मेरिट की तरफ नौकरी दी जा रही है, बीजेपी की तरफ से बयान आ रही है। देखिए मैंने कहा मेरिट बाहर वालों के पास ही है क्या? हर नौकरी में बाहर के लोग ज़्यादा लगते हैं, अंदर के लोग कम लगते हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हरियाणा के लोगों में मेरिट ज़्यादा है। जो मेरिट बाहर, जब हर खेल में हम अच्छा कर सकते हैं, हम पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, तो फिर एग्ज़ाम में बाहर के लोग क्यों भर दिए जाते हैं? तो बहुत मुद्दे हैं, धीरे धीरे सारे मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी बात रखती भी है। एक जगह एक बार में तो 10-15 घंटे का लेक्चर हो तो सारे मुद्दे गिनाए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दे को हम हाईलाइट भी करते हैं और जो दुखी है, पीड़ित है सरकार से और राजनीतिक लोगों से, भ्रष्ट अधिकारियों से, उन सब के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर क्या बात करोगे? गठबंधन टूटने वाला है। टूटने वाला है? टूटने वाला है। तो इनके समझौता के टूटने के लिए लेकर गठबंधन टूटने वाला है और इंडिया का नया बढ़ने वाला है, तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी और बाकी जनता घरों में बिठाएगी। ओके सर, ये थे अशोक तंवर जो की आम आदमी पार्टी के किदावर नेता कहा जाता है और इस समय वो हांसी में हरियाणा में जो चल रही यात्रा बदलाव के लोग उसको लेकर ये इसमें हादसे में पहुंचे हुए हैं, इनका काफिला दिखा सकते हैं इसमें और तमाम नेता यहाँ मौके मौजूद हैं। बात करेंगे मैडम लगातार।
आम आदमी की हरियाणा में बदलाव यात्रा चल रही है, जिसका पड़ाव हांसी में भी देखने को मिला है। आज आम आदमी की जो पार्टी की जो यात्रा हांसी पहुंची, अशोक तंवर उनको कंपेन कर रहे थे, उस दौरान काफी संख्या में लोग देखे गए शहर के बाजारों में से यात्रा जैसे निकली, आम आदमी पार्टी के नारे लगे। और उस दौरान देखा गया ये महिला आम महिला नहीं है, आम आदमी पार्टी से है लेकिन आम महिला नहीं है, एक हरियाणा की मशहूर कलाकार है। और क्या नाम है उनका, नाम बताएं, नाम क्या जमना, सरोज जांगड़ा, जिनको आपने टीवी में देखा है लेकिन आपको आज कैमरे पर दिखा रहे हैं, हांसी की धरती से दिखा रहे हैं इनको, हरियाणवी कलाकार है, उनसे बातचीत करेंगे, वो भी आज इस यात्रा में नजर आई है। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार जी, और ठीक हो जी? हाँ जी बढ़िया। तो आपने फिल्मों में काम किया, एक से एक रोल अदा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी में किस प्रकार के रोल अदा करोगे जी? जैसा रोल मैंने अपनी जो लाइफ रही है मेरी हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैंने माँ के ही कैरेक्टर किए हैं। मैं 25 साल से काम कर रही हूँ, तो माँ का ही रोल किया है। और माँ कैसी होती हैं ये सबको पता है। कुंगड़ पहुँचूंगी और कुंगड़ मैं हाथ से आती रहती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूंगी, इनसे प्रॉमिस किया है मैंने, बहुत जल्दी मिलूंगी मैं। तो मुलाकात कर रहे हैं अशोक तंवर जी, मैडम जी कैसे लग रहा है? लाल पीले बहुत हो रहे हैं आज भी हमारी पार्टी का प्रोग्राम है, हमारी नहीं सबकी पार्टी का प्रोग्राम है, आम पार्टी मतलब आम सब जनता की पार्टी है। और आज इतनी धूमधाम से सब लोग पूरी हांसी नहीं, सब इधर उधर से सब लोग बड़ी धूमधाम से शामिल हुए हैं। और आज लग रहा था कि वाकई आम आदमी पार्टी आएगी और आके रहेगी, और हांसी का बदलाव निश्चित है। तो हांसी का बदलाव निश्चित है हरियाणा का जी? हरियाणा जब हमारे हांसी में है तो हम हांसी की बात करेंगे, नहीं तो जब खत्म हो जाएगी रैली तो पूरे हरियाणा की बात करेंगे, पूरे हरियाणा में बदलाव आएगा। खट्टर साहब को कितना नंबर दोगे आप? उन्होंने हमेशा जब भी कभी भाषण दिया है तो हमेशा लेडीज़ के बारे में उल्टा ही बोला है, जैसे अभी भी चंद्रयान के बारे में लेडीज़ के बारे में उल्टा बोला था। तो जब देखो लेडीज़ के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा बोलते रहते हैं, लेडीज़ की तरफ से मैं अगर मैं कहूँगी तो मैं उनको 0 नंबर दूंगी, क्योंकि उन्होंने कभी लेडीज़ के लिए कुछ नहीं किया, कोई ढंग के कानून नहीं है लेडीज़ के लिए, उन्होंने औरतों के लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा अपशब्द ही बोले हैं। तो मेरी लेडीज़ की तरफ से, मैं भी लेडीज़ हूँ तो लेडीज़ की तरफ से उनको 0 दूंगी मैं। तो कहा जा रही सुमन मल्होत्रा भी चुनाव लड़ सकती है? पार्टी चाहेगी तो लड़ भी लेंगे, पार्टी जो चाहे पार्टी आदेश देगी तो लड़ेंगे। समय मल्होत्रा इन्होंने साफ तौर पर कहा पार्टी ने आदेश दिया तो वे हांसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक हम लगातार दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।